प्रेमियों, जब शेर खान पठान दूती की मदद लेकर चाप सिंह की पटका और कटार और सोमवती की जांग का तिल का निशान अकबर के दरबार में आके बता देता है, सजनों फांसी हो जाती है, फांसी का हुक्म सुना दिया। और जब फांसी का हुक्म सुना दिया चाप सिंह को, तो आखिरी इच्छा पूछी गई, आखिरी इच्छा में न्यू कह दिया कि मैं अपनी बूंदीगढ़, अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा अकबर ने बोला, चाप सिंह तो अपनी घरवाली को मार देगा क्योंकि उसने तुझे धोखा दिया है। कोल करार करता है कि महाराज, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं तो अपनी मातृभूमि के दर्शन करने जा रहा हूं। सजनो, बूंदीगढ़ में आ गया। सोमवती को पता चला, एकदम आरती का थाल सजा के लेके आई, लेकिन आरती के थाल को देख के तन और बदन में आग सी लग गई और आरती के थाल में ठोकर मारी। और ठोकर मार के एक बात के द्वारा के बोलिया चाप सिंह इस रागनी के माध्यम से, ओ सुन सोमवती बेईमान, इब तेरा आशिक शेर खान, ओ धरती में गड़ गया रे जब तिल का सुनिया निशान। सच बता दे तेरे धोरे वो के दिन डट गया रे, इस फूटे मुँह ते बोल तेरा बदनामी का ढोल सारे कह पिट गया रे। सुन सोमवती बेईमान, तेरा आशिक शेर खान धरती में कट गया रे जब दिल का सुना निशान। तेरी साँच बता दे तेरे धोरे वो के दिन डट गया रे, इस फूटे मुँह ते बोल तेरा बदनामी का ढोल सारे कह पिट गया रे। सुन सोमवती बेईमान, तेरा आशिक शेर जब दिल का सुना निशान। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, हाय जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। के गले में कर दी अटारी, ब्याहे के गले में कर दी कटारी, ब्याहे के गले में कर दी कटारी। रे चंगाड़ी दिल की काली, रे चंगाड़ी दिल की काली, यार के धोरे रह के ने तेरा चौपन छट गया रे, मेरी जिंदगी न खोगी, तेरे कारण मेरी हुई बदनामी,
ना ते कोई बोलनिया था मेरे सामी, ना ते कोई बोलनिया था मेरे सामी, ना ते कोई बोलनिया था मेरे सामी। फांसी हो कल जीना मुश्किल, फांसी हो कल जीना मुश्किल। बदमाशी थी दिक बदमाशी थी, डान सर मेरा जी। तने मेरी गल बहुत बुरा करा है। मैंने कोई बुरा नहीं करा है, पर मेरी बात सुन लो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अच्छा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ जाएगा तो फिर खुल जाएगा। का ढोल सारे कैसे क्या रहे।
मेरा क्या, तेरी मर्जी।